हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फंटेसी विनर्स। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 68वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई के ब्रोबरन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। और इस वीडियो में हम आपको इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ आपको ड्रीम 11 की टीम भी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मैच खेले गए हैं, जिसमें सीएसके की टीम ने 15 जीते हैं, वही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 10 जीते हैं। आईपीएल के 15 सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 13 मैचों में 8 जीत दर्ज की है। आखिरी मैच जीत कर वह टॉप 2 में पहुंच सकते हैं। वही चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 में से सिर्फ 4 मैच जीते हैं और अंक तालिका में 9 स्थान पर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बात करें अगर हम राजस्थान रॉयल्स की, तो उनमें संजू सैमसन कप्तान होंगे, उनके अलावा जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकल, सिमरन हेटमायर, रियान प्राग, ट्रेट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल, रविचंद्र अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा ओबेड मैकोय। ये हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। बात करें अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होंगे, उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, एन जगदीशन, डेविन कोनवे, मोइन अली, शिवम दुबे, महेश तीक्ष्णा, सिमरजीत सिंह, मतीसा पथिराणा, मुकेश चौधरी और प्रशांत सोलंकी। ये हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ब्रेबोर्न स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना सही रहेगा, क्योंकि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है और जो टीम पहले खेलेगी उसे कम से कम 180 के लगभग स्कोर तो बनाना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं हम ड्रीम 11 टीम की। दो ड्रीम 11 टीम हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इनसे आप कुछ टिप्स ले सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं कि किस तरह हम टीम बना सकते हैं और किन खिलाड़ियों को रख सकते हैं, किन को बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें अगर हम अपनी पहले टीम की, तो इसमें हमने संजू सैमसन को लिया है और जोस बटलर को लिया है। बात करें अगर हम बल्लेबाजों की, तो यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकल, ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कोनवे को लिया है। बात करें अगर हम ऑलराउंडर्स की, तो उसमें हमने मोइन अली को लिया है और रविचंद्रन अश्विन को लिया है। बॉलर्स में हमने रेट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल और मुकेश चौधरी को लिया है। ये कप्तान हमने जोस बटलर को बनाया है और उप कप्तान हमने मोइन अली को बनाया है। ये है हमारी पहली टीम जिसके साथ आज हम खेलने वाले हैं। फाइनल टीम हम टेलीग्राम पर देंगे, नीचे लिंक है दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी टीम की, तो इसमें हमने विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, जोस बटलर और एन जगदीशन को लिया है। अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, तो इसमें हमने यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, डेविन कोनवे को लिया है। ऑलराउंडर्स में हमने सिर्फ मोइन अली को लिया है और हमने बॉलर्स में प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, मतीसा पथिराणा को लिया है, यजुवेंद्र चहल को लिया है और मुकेश चौधरी को लिया है। कप्तान हमने डेविन कोनवे को बनाया है, वॉइस कप्तान यानी कि उप कप्तान हमने यजुवेंद्र चहल को बनाया है। ये होने वाली हमारी दूसरी टीम। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि सेम टीम के साथ ना खेलें, वो चेंज इसमें करें, वॉइस कैप्टन कैप्टन को चेंज करें और सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखने की कोशिश करें, ज्यादा टीमें बनाकर खेलें। तीसरी टीम आप हाई रिस्क की टीम भी बना सकते हैं, जिसमें आप जोस बटलर, संजू सैमसन को ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसी टीम आप बनाकर जीएल जीत सकते हैं। और आपके लिए बता दूं कि जो फाइनल टीम हमारी आने वाली है वो आएगी टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कल टीम दी थी, उसमें से हमने आपको पहले ही बता दिया कि विराट कोहली आज चलने वाले हैं। ऐसे ही कुछ अपडेट हम देते रहते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।